अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पेज सेटअप के हवाले से, क्योंकि पेज सेटअप की कमांड्स या उसका तरीक़ेकार हमें आता होगा तो हम लोग पेज चीज़ को मैनेज कर सकते हैं या पेज का फ्रंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इंसर्ट में जाके बस जी पेज लेआउट में जाते हैं। ये पेज सेटअप है, इसमें हम मार्जिन के कमांड देखेंगे, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशंस। ठीक है, इसमें करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं मार्जिन को, और इस लेक्चर को देखने से पहले आई सजेस्ट टू द न्यू स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से देखना शुरू हुए कि वो पिछली वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अच्छा मार्जिन से मुराद है कि आपका जितना एरिया जो राइट लेफ्ट पे जो पेज छोड़ता है वो मुराद है। इसमें अगर हम कुछ मैटर ले लें तो आप देखोगे कि इसमें आपको टॉप के ऊपर कुछ पेज कुछ मैटर आपके पास ब्लैंक स्पेस है, कुछ लेफ्ट पर ब्लैंक स्पेस है, कुछ राइट पर ब्लैंक स्पेस है, और जैसे ही अगर आप इसको इंक्रीज़ करते जाते हो आप देखोगे कि आपको राइट लेफ्ट से आपके पास स्पेस पड़ी हुई है। ये जो सारी स्पेस है ये वाली, ये सारा मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है और ये बॉटम मार्जिन है। इसको बेहतर करने के लिए, इसमें कुछ कमी बेशी करने के लिए हम लोग जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन के अंदर है कस्टम मार्जिन, कुछ ऑलरेडी यहाँ बड़े बड़े फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, आप ये इसमें बाई डिफॉल्ट जो है 1x1 है, आप इनमें जा सकते हो। उसके बाद आपके पास नैरो है, इस साइज में आ सकते हो आप। उसके बाद आपके पास सेपरेट है, फिर आपके पास वाइड है, फिर आपके पास मिरर्ड है और ये ऑप्शन भी खुलेगा। और हम कस्टम मार्जिन में जाते हैं, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, आपने टॉप से कितना मार्जिन देना है, लेफ़्ट से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, राइट से कितना देना है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। नॉर्मली ब्लैंक पेपर पर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लेटर हेड यूज़ करते हो या आपका कोई प्री प्रिंटर लेटर हेड है तो यहाँ पर आप लोग उसके हिसाब से मार्जिन देंगे। ये गटर पोजीशन है, गटर पोजीशन में आपके पास क्या होता है, जिस तरह आपका अगर प्रीव्यू देखें कि जो हिस्सा आपको बाइंडिंग में आ जाए, जिस तरह स्पायरल बाइंडिंग है, स्पायरल बाइंडिंग में जो हिस्सा रिंग में आ जाता है दैट इज़ योर गटर पोजीशन। इसको अगर लेफ्ट से करते हो गटर पोजीशन इंक्रीज़ करते हो, अब देखो यहाँ पर आपको इंक्रीज़ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप टॉप पे करोगे तो टॉप पे आ जाएगा, आप राइट पे करोगे तो राइट पे आ जाएगा। नॉर्मली स्पायरल बाइंडिंग में या बाइंडिंग बुक्स में पता चलता है ये लैंडस्केप पेज है, ये पोर्ट्रेट पेज। पेपर में जाके आप पेपर चूज़ करते हो कौन सा पेपर है, लेटर साइज, लीगल साइज या A4 है, ज़्यादातर ये चलते हैं। फिर यहाँ से टॉप हेडर कम ज़्यादा कर सकते हो, फुटर कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और उसी में मार्जिन की में कस्टम मार्जिन में जाने के लिए हम लोग यहाँ से रूलर को भी यूज़ कर सकते हैं। रूलर को डबल क्लिक करो तो आपको यहाँ पर ये मार्जिन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। क्लिक ऑन द डबल क्लिक और रूलर, फिर आपके पास ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन है, आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, इट्स अप टू यू। साइज़ कौन सा चाहिए आपको, लेटर साइज़ क्या है 8.5x11 और A4 क्या है 8.27x11x69, थोड़ा सा फ़र्क। और दूसरा आपके पास लीगल है, लीगल आपका 8.5x14, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, जस्ट इसमें स्टाम्प पेपर का साइज़ होता है। तो ये हम लेटर पर वापस आ रहे हैं, जो पेपर आपने यहाँ साइज़ चूज़ किया वही आपको प्रिंटर में लगाना चाहिए। फिर आगे आपके पास आता है कॉलम्स, कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करो कंट्रोल ए करने के बाद सेलेक्ट ऑल, कॉलम में जाकर सेलेक्ट कर दो 2, तो ये आपको 2 कॉलम में टेक्स्ट दे देगा आपको, जिस तरह आपको मैगजीन वगैरह में दिखाई देता है। कंट्रोल ए 3 में कर देगा, लेफ्ट कॉलम कर देगा, राइट कॉलम कर देगा। और अगर आप इसको करते हो 2 कॉलम्स, फिर आप जाते हो कस्टम कॉलम में, मोर कॉलम में, तो यहाँ से आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन रीजनेबल 2 या 3 से ज़्यादा बुरे लगते हैं। फेस लाइन बिटवीन, अगर लाइन बिटवीन करोगे तो इनके दरमियान एक लाइन लग जाएगी। ठीक है जी, मैं इस मैटर को इंक्रीज़ करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट करके, फिर कुछ और हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब ये पहले पेज पे 3 कॉलम्स हैं, नेक्स्ट पे 3 हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे पेज पे 2 कॉलम्स आ जाएँ। तो पहले पेज के एंड पे आप कर्सर रखो, कॉलम में जाओ, मोर कॉलम्स, यहाँ से सेलेक्ट करो 2 और अप्लाई टू
दिस पॉइंट फॉरवर्ड। जैसे ही ओके करोगे तो अगले पेजेस के दो हो गए, पहले पेज के तीन, ठीक है। फिर टू के एंड में कर्सर रखो, कॉलम्स मोर कॉलम्स थ्री दिस पॉइंट फॉरवर्ड, उसके बाद वाले के तीन हो जाएंगे, कंट्रोल ए वन, फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैं नई फाइल खोलता हूँ, नई फाइल खोलने पर आप देखो आपका नई फाइल खोलने के बाद मैं फ़ौरन इसके कॉलम सेट कर देता हूँ, टू कर दी मैंने। अब आप जब तक कि यहाँ से इस कॉलम को एंड नहीं करोगे आपको वो नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाने देगा, यहाँ नहीं टाइप करने देगा। उसका हल ये है कि आप यहाँ रखो, ब्रेक में जाओ, कॉलम ब्रेक, अब आप नेक्स्ट कॉलम में टाइप कर सकते, ठीक है। अब ये मेरे पास टेक्स्ट सारा लिखा गया है, मुझे इन सारे टेक्स्ट के साथ मुझे लाइन नंबर्स चाहिए, मुझे ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, तो लाइन नंबर को सेलेक्ट करके कर दो कॉन्टीन्यूस, तो हर लाइन के साथ एक नंबर आ जाएगा, आपको लाइंस काउंट करने में आसानी हो जाएगी। कंट्रोल ए लाइंस नन, कंट्रोल ए कॉन्टीन्यूस, कंट्रोल ए नन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ हाइफनेशन। हाइफनेशन मीन इसका पहले हम मैनुअल टाइपराइटर पे यूज़ करते थे कि हर लाइन के एंड पे जहाँ ये वर्ड फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट बड़ा वर्ड है तो इसको थोड़ा आधा ब्रेक करके आधा लफ्ज़ इधर आता था, आगे एक डैश डालते थे, बाकी से नीचे आ जाता था, तो इसको कहते थे हाइफन। तो आप इसको सेलेक्ट करो, हाइफनेशन में जाके ऑटोमेटिक को ऑन कर दो, जैसे ऑटोमेटिक को ऑन करके थोड़ा सा फोन से इंक्रीज या डिक्रीज करके देखो आप, तो आपको यहाँ कहीं पर आपको फील हो जाएगा हाइफनेशन। कंट्रोल ए पेज दे हाइफनेशन ऑटोमेटिक। इसमें अभी तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन फर्स्ट लाइन पे आपको नज़र आना चाहिए आपको ऑटोमेटिक। इसका फोन से इंक्रीज करते हैं, उसमें ऐसे हो जाता है कि डॉक को डैश ये बाकी से नीचे चला जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये वक्त चला जाएगा, इसी कहते हैं हाइफनेशन। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है इस वक्त, इसको आपने अप्लाई भी नहीं करना तो ये आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और इट विल बी बैड इंप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने मार्जिन ओरिएंटेशन साइज कॉलम ब्रेक लाइन ब्रेक हाइफनेशन इसकी प्रैक्टिस करनी और पिछले लेक्चर को भी यूज़ करना है ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग पेज बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सलाम।